ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज के वीडियो में बताने वाले हैं हम कि यदि आपके प्रेम संबंध खराब हो चुके हैं, जी हाँ खराब हो चुके हैं, यानी कि आपका जो प्रेमी है या फिर प्रेमिका है वह आपसे बात बिल्कुल नहीं करती है, और या फिर आपको लगता है कि जैसे कि पहले प्रेम हुआ करता था उतना प्रेम बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो आप ये उपाय करिए। और साथ ही साथ ये भी बता दें, यदि आप पति पत्नी में से कोई एक हैं, आप अपने पति के लिए करना चाहते हैं, यानी कि आपको लगता है कि आपका पति आपको उतना नहीं चाहता है या आपकी पत्नी उतनी नहीं चाहती है, या फिर आप अलग हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि वापस से वह प्यार, खोया हुआ प्यार वापस पाया जाए, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय दोनों के लिए है, पत्नी और पति के लिए, प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए, तो स्त्री और पुरुष दोनों ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि अंत में हम कुछ बातें बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप आशा करते हैं आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये उपाय क्या करने कैसे करना है। तो बंधुओं, सबसे पहले आपको एक कागज लेना है, कोरा कागज लेना है, उस पर आपको लिखना है, पहले सबसे पहले उस पे आपको क्या लिखना है, यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी प्रेमिका का नाम लिखेंगे या फिर अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, यदि आप स्त्री हैं तो अपनी प्रेमी का नाम या फिर अपने पति का नाम यहाँ लिखेंगे। तो हम पहले बता देते हैं, नाम लिखना है आपको पति का या फिर अपने प्रेमी का, पहले आपको पति या प्रेमी का नाम लिखना है, हम स्त्री के नजरिए से बता रहे हैं यदि आप महिला हैं। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा आपको, तो याद रखिएगा दोनों को आपको पूरा नाम लिखना है, दोनों का पूरा नाम लिखना है आपको। इसके बाद आपको ऐसे ही क्रम में, इसे हम एक मानेंगे, इन दोनों को हम एक मानेंगे, फिर दूसरी बार आपको ऐसे ही अपने पति या प्रेमी का नाम लिखना है, फिर आपको अपने उसके नीचे अपना नाम लिखना है, ऐसे ही आपको कुल मिला के 51 बार लिखना है। और कोशिश करिएगा कि एक ही पेज पे आ जाए, हमने तो बड़ा बड़ा लिखा है, आप चाहें तो बिल्कुल छोटा छोटा भी लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, मगर 51 बार होना चाहिए। तो आप जब 51 बार लिख लेंगे उसको, तब आपको उसी कागज पर या तो सामने, जगह बचे तो सामने ही बनाना है, अन्यथा आपको इसी कागज के पीछे आपको एक यंत्र बनाना है, बहुत ही छोटा सा यंत्र होगा, अंत तक वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि जो अंत तक देखता है वही समझ पाता है कि कैसे उपाय किया जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि अंत तक वीडियो देखिए ताकि आप समझ सकें। रोली से आपको ये यंत्र बनाना है, चकोर बना दिया है हमने, इसको 3 हिस्से में बांट दिया है चकोर को। रोली से हम बना रहे हैं, फिर से हमने इसको 3 हिस्से में बांट दिया है, ऊपर से और नीचे से। इसको आप फिर थोड़ा सूखने दीजिएगा। इसके पश्चात आपको अंदर लिखना है जो हम बोलेंगे, आपको वह लिखना है,
इधर लिखेंगे आप 8, इधर 1, इधर 6, इधर 3, इधर 5, इधर 7, इधर 4, इधर 9, इधर 2। ये आपको ऐसे लिख देना है यंत्र के अंदर उसी पेज पे जिस पे आप 51 बार अपना और अपने प्रेमी पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको पिछले अगले पेज पे, यदि आपने इसी पे यंत्र बना दिया है, तो आपको पिछले अगले जो उसका दूसरा हिस्सा होगा पेज का कागज का, उस पे लिखना है। हम इसी कागज पे लिख के बता देते हैं। मंत्र लिखना है, वो भी आपको 51 बार लिखना है मंत्र, और बोलते बोलते आपको वह मंत्र लिखना है। तो मंत्र है एम ब्लू चन ब्लू माइन ब्लू मौन ब्लूम हैंग क्लीनाइन भक मालिनी स्वाहा। यह मंत्र आपको 51 बार लिखना है इसी कागज के दूसरे हिस्से पे। एन ब्लून जन ब्लून मेन ब्लून मौन ब्लून हैन क्लीनाइन भक मालिनी स्वाहा, और बोल बोल के आपको यह मंत्र जपना है, लिखना है 51 बार। तो जब आप ये नाम लिख लेंगे अपना और प्रेमी का, और यंत्र बना लेंगे और उसके दूसरे हिस्से पे ये 51 बार लिख लेंगे बोल बोल के, उसके बाद आपको एक बांसुरी लेनी है। उस बांसुरी का क्या करना है आपको, उस बांसुरी के अंदर आपको इस हिस्से से जो दूसरा हिस्सा होता है, ऐसी बांसुरी लाइए जो जिसको आप तोड़ सकें। इसको आपसे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, अगर खुली हुई नहीं होगी तो आपको खोलनी पड़ेगी पीछे से, अन्यथा आप यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, दूसरे हिस्से से भी तोड़ सकते हैं जहाँ से बजाया जाता है। उसके अंदर आपको क्या भरना है, शक्कर भरनी है। कौन सी शक्कर भरनी है हम आपको दिखा देते हैं। ये शक्कर देखिए जो गुड़ की बनी हुई होती है, भूरे रंग की होती है। इस शक्कर को आपको बांसुरी में भरना है, जितना भर सकते हैं आप उतना भरिएगा, आगे से या फिर पीछे की साइड से आप इसको भरिएगा शक्कर से। और जब आप शक्कर से इसको भर देंगे, जब आप शक्कर से इसको भर देंगे, फिर आप बांसुरी को और ये जो आपने पूरा कागज था इसको लेके जाना है मंदिर के। अब ध्यान से सुन लीजिएगा जो हम बार बार आपको बताते हैं, मंदिर के आसपास वाली जमीन होनी चाहिए या फिर किसी बहते हुए पानी के आसपास वाली जमीन हो, यानी कि नदी तालाब के आसपास वाली जमीन हो, वहां पर जाइए आप और इसको चुपचाप सबसे पहले आपको बांसुरी को दबाना है, उसको ऊपर से ढक देना है, फिर एक दूसरा गड्ढा करना है, उसमें आपको इस पेज को, ये जो कागज था यंत्र वाला, इसको आपको दबा कर आना है, और आखिरी बार एक बार और आपको ये मंत्र जपना है। और जब आप ये मंत्र जप लेंगे, फिर जब आप गाड़ देंगे, तब आपको याद रखना है कि आपको 1 चम्मच शहद उसके ऊपर डालनी है, सिर्फ यंत्र वाले गड्ढे पे डालनी है, बांसुरी वाले पे नहीं डालनी है। बांसुरी वाले पे आप पहले से शक्कर डाल चुके हैं, ये मीठे संबंधों के लिए माना जाता है, इसलिए मीठा का यूं इस्तेमाल किया जाता है। तो शहद 1 चम्मच अवश्य डालनी है आपको गड्ढा बंद करने के बाद यंत्र वाले गड्ढे में। और जब आप बांसुरी डालेंगे, तब आपको
मंत्र जपना है और एक ही बार जपना है और फिर सीधा आपको घर आना है, किसी से बात नहीं करनी है रास्ते में जैसे कि हम बार बार बताते हैं, और सीधा घर आके अपने हाथ नमक के पानी से धो लेने हैं। और बंधु ये उपाय आपको करना है सोमवार की रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करना है। तो बंधु यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कोई आपका सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। भविष्य में भी ऐसे ही उपाय आपको हम बताते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।